ऐसे फर्जी फोन करके लोग ठगी का व्यापार कर रहे हैं ये तो जग जाहिर है। ऐसा ही एक फोन ग्राउंड रिपोर्टर के एक जागरूक दर्शक के पास आया तो उन्होंने इस फोन को रिकॉर्ड कर लिया। फोन करने वाला व्यक्ति अपने आप को फ्लिपकार्ट का एग्जीक्यूटिव बता रहा था, साथ ही कह रहा था कि आपने इनाम जीता है जिसके चलते आपको 4,500 रुपये फीस जमा करानी होगी जिसके बदले में आपको इनाम दिया जाएगा। वहीं जब हमारे जागरूक दर्शक ने उनसे पूछा कि फ्लिपकार्ट कभी फोन करके पैसे नहीं मांगता, साथ ही कहा कि मुझे मेल करो मैंने कौन सा इनाम जीता है, जिस पर फोन करने वाला व्यक्ति पक गया और बकवास से और शरारत शुरू करके फोन काट दिया। हमारे जागरूक दर्शक ने ये पूरा ऑडियो हमें भेजा है, साथ ही वह फोन नंबर भी जिससे फोन आया था। हम आप सभी लोगों से ये आग्रह करते हैं कि इस तरह से ठगी करने वाले किसी भी फोन को रिस्पॉन्स ना दें और तत्काल इसकी सूचना नजदीकी थाने में दर्ज कराएं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे जागरूक दर्शक को जिन्होंने हमें ये ऑडियो क्लिप भेजा है। नहीं, लेकिन मुझे कोई मेल तो आया नहीं फ्लिपकार्ट कंपनी से। जी मैम, कंपनी से इसलिए कॉल नहीं किया था क्योंकि मैं आपको जानकारी कॉल द्वारा आपको दे दिया हूँ। अगर आपको कॉल द्वारा जानकारी आपको नहीं मिलता तो आपको कंपनी से आपको मिल जाता। नहीं बट कंपनी से तो मिल जाता, लेकिन आप पहले मेल करिए मुझे कि फ्लिपकार्ट ने मुझे अवार्ड दिया है। और आपको नाम कैसे पता चला? आपको जब आप फ्लिपकार्ट के ही हैं तो आपको नाम पता चल गया। अब नाम पता चल गया तो फिर आप जानकारी मुझे मेल पे दीजिए कि अवार्ड मिला है। मेल पे नहीं दिया जाता है, कॉल द्वारा नहीं मिलता तो मेल पे मिल जाता है। जमा करना है जमा करो फ्लिपकार्ट कंपनी में, 4500 रजिस्ट्रेशन पेमेंट खर्च आएगा, जमा करना है। जमा कीजिएगा, काम होगा नहीं कीजिएगा, नहीं काम होगा क्या कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, यस या नो बताओ। नहीं नहीं, लेकिन आपको ये नाम कैसे पता चला कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था? आई लव यू टू, ये पुलिस में जाएगा अब तेरा नंबर। आई लव यू टू।